दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप डिजी लॉकर ऐप के अंदर कैसे अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड कर सकते हो। यहां पर दोस्तों आपको बता रहे हैं डिजी लॉकर एक ऐप का एक सिक्योर एप्लीकेशन है जो कि यहां पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को इसमें अपलोड करेंगे तो यहाँ पर इसका मान्य भी रहता है। दोस्तों ये गवर्नमेंट की ओर से लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पर इसका मान्य भी रहता है। कोई भी अपना डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे यदि आप डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएंगे, यदि आपके पास डिजी लॉकर ऐप के अंदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है तो यहाँ पर इसका मान्य रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको चलिए बताता हूँ कि कैसे अपने डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हो। बिना देखे शुरू करें दोस्तों, मैं सत्यम भट्ट, अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल आप पढ़ रहे हैं तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर आपको सबसे पहले लॉगिन हो जाना है, यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है। यदि आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आई बटन में फिर नीचे आपको डिपॉजिट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रहा कैसे अपना अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पर आपने प्रोफाइल यदि आप लगाया तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल दिखेगा, नीचे आपको अपना होम दिखेगा, सर्च भी दिखेगा, यहाँ पर इशूड दिखेगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है। तो दोस्तों आपको इशू अंदर आपका जो भी है वो यहाँ पर शो करेगा। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको मेनू मिलेगा, यहाँ पर आप जो भी सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं यहाँ पर अपने मेनू से सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर चले होम पर आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको सर्च पर चले जाना है या फिर दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर से कैटेगरीज में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे सेंटर गवर्नमेंट मिल जाएगा, हेल्थ मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगा, बैंकिंग इंश्योरेंस मिल जाएगा, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिल जाएगा, यहाँ पर ओदर्स पर भी क्लिक करके बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन को आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए मुझे एजुकेशन वाले पर क्लिक करके मुझे एजुकेशन जैसे कि 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट को मुझे इसमें अपलोड करके आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करें, इसमें आपको आ जाना है, यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पर अपना बोर्ड को यहाँ पर सर्च कर लीजिए जिस बोर्ड का आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो फिलहाल मैं अपना यूपी बोर्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ पर मैं यूपी लिखकर यहाँ पर सर्च करता हूँ। नीचे आप जाएंगे तो यूपी बोर्ड यहाँ पर मिल जाएगा, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, यहाँ पर हाई स्कूल, यहाँ पर एंड इंटरमीडिएट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड का बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन, टेक्निकल बोर्ड, यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टेट वाले पर क्लिक करते हैं, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर 10th के लिए, यहाँ पर 12th के लिए। तो मुझे मान लीजिए अभी मुझे 12th का मार्कशीट को मुझे अपलोड करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी रोल नंबर है यहाँ पर फिल कर लीजिए और आपका यहाँ पर नाम ऊपर जो आपने दिया था आधार कार्ड में वो यहाँ पर शो कर देगा। आपको ध्यान रखना है जो भी आपका नाम है आपका जो भी मार्कशीट पर होना चाहिए या ये वाला नाम आपको सेम टू सेम मार्कशीट पर होना चाहिए तो यहाँ पर आपका आएगा, यानी कि सभी डिटेल्स जो भी है यहाँ पर आपको मार्कशीट में होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर एंड जो भी आपका पासिंग ईयर है यहाँ पर अपना पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पर अपना जो भी आपका रोल नंबर था वो यहाँ पर अपने रोल नंबर को यहाँ पर फिल करके यहाँ पर आपको गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए मैं अपना रोल नंबर को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आय का प्रोसेस बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर अपना जो भी रोल नंबर फिल करने और यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दें, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको यहाँ पर फीचिंग देखेगा, तो यहाँ पर फिर से आप क्लिक करके यहाँ पर इसको रिट्राई कर लीजिए। रिट्राई करेंगे दोस्तों तो फिर से आपका आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ी देर वेट करके यहाँ पर रिट्राई करिए, तैयार नहीं है तो यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे जरूर कमेंट, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये अपलोड हो चुका है, यहाँ पर देखते हैं नीचे आपको अपलोड हो रहा है, यहाँ पर देखते अभी अपलोड यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा था, यहाँ पर आपका अपलोड हो चुका है। तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर देखना हो दोस्तों, इस पर क्लिक करके यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर देखना हो तो यहाँ पर व्यू पीडीएफ पर क्लिक करके यहाँ पर अपना पीडीएफ में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। यदि आपको यहाँ पर कोई भी कॉफी दिक्कत या फिर क्वेरी हो तो जरूर नीचे कमेंट करिए, क्योंकि आपको बता दूँ दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पर ये भी जो प्रॉब्लम है ठीक हो चुका है। तो नीचे जरूर कमेंट, जो भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगली वाली वीडियो में फिर नीचे आपको रिप्लाई देकर आपको समझाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी प्रोसेस से आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन भी कर, यहाँ पर सभी चीज़ राशन कार्ड, यहाँ पर चेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि सभी चीज़ यहाँ पर इसमें अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओदर्स में जाकर भी आप यहाँ पर उसको बहुत सारे सर्टिफिकेट को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से आप कोई भी सर्टिफिकेट को अपलोड, जो भी आपका साइट है यहाँ पर आप डिजी लॉकर के अंदर सभी प्रोसेस को यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे। तो फिलहाल आपको इस वाली वीडियो में बस यही एक छोटी जानकारी देनी चाहती थी, आपको इससे संबंधित कोई काफी दिक्कत या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे जरूर कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको अगली वाली वीडियो में फिर नीचे आपको रिप्लाई देकर आपको समझाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए सब नेक्स्ट में तब तक ले जाएंगे, वंदे मातरम।